हेलो दोस्तों, स्टार्टअप चर्चा के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहली खबर आ रही है ओला की तरफ से। ओला अगले 6 महीने में अपने 20% एम्प्लॉयज़ को निकालने वाला है ओवर हायरिंग को करेक्ट करने के लिए। उनके फिलहाल 5,000 एम्प्लॉयज़ है, यानी करीब 1,000 एम्प्लॉयज़ को इससे फ़र्क पड़ेगा। बताया जा रहा है कि ऑलरेडी ले ऑफ चालू हो चुका है और 3 राउंड्स हो गए हैं लास्ट 3 वीक्स में। ओला अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगले 1-2 साल में उनको अपना IPO निकालना है। सुनील गावस्कर ने बोर्ड गेम्स स्टार्टअप बिनका गेम्स में अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया है। अगले 2 साल में 10 नए बोर्ड गेम बनाने का और 200% से ग्रो करने का प्लान है बिनका गेम्स का। उन्होंने फंड रेजिंग इवेंट के साथ एक नया गेम भी लॉन्च किया, क्विकेट क्विक क्रिकेट, जो कि एक कार्ड गेम है और सारे एज ग्रुप्स को टारगेट करता है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, बोर्ड को ये बोल के कि वो बाकी चीज़ें मैनेज करने में बिजी है। विजय शेखर शर्मा अभी भी पेटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन हैं और अब रोहित लोहिया जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है उनको शायद डायरेक्टर बना दिया जाएगा। फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट मिलके लॉजिस्टिक स्टार्टअप निंजाकार्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। निंजाकार्ट सप्लाई चेन स्टार्टअप है जो फार्मर्स को रिटेलर्स और बिजनेसेस के साथ कनेक्ट करता है। तो इन्वेस्ट करने के बाद निंजाकार्ट वॉलमार्ट इंडिया के जो बेस्ट प्राइस स्टोर्स है उसमें और फ्लिपकार्ट सुपरमार्ट को ग्रोसरीज के लॉजिस्टिक्स में हेल्प करेगा। इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्टार्टअप क्रेडिक्स ने सीरीज बी राउंड में 26 मिलियन डॉलर्स रेज किए, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट ने किया है। अगर आपको इनवॉइस डिस्काउंटिंग नहीं पता तो शॉर्ट में समझा देता हूँ। समझो आपने किसी को 10 लाख के गुड्स उधार पे दिए हैं और बायर ने आपको बोला है कि वो 90 डेज के बाद गुड्स के पैसे दे देगा, और समझो आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप उस बिल ऑफ एक्सचेंज को जिसमें मैंशनड है कि 90 डेज बाद आपको बायर से पैसे मिलेंगे वो बैंक को दिखा के 10 लाख माइनस जो भी डिस्काउंटिंग परसेंटेज है उतना पैसा आप बैंक से ले सकते हो। 90 डेज बाद जब बायर पैसा देगा तो वो सीधा बैंक को मिल जाएगा। ऐसे आपको उस इनवॉइस पे बैंक से लोन मिल जाता है। रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन ग्रुप के फाउंडर और उद्धव ठाकरे मिलने वाले हैं मुंबई पुणे हाइपरलूप को लेकर। मुंबई पुणे हाइपरलूप 10 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, तो काम स्टार्ट करने से पहले नई गवर्नमेंट को कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए वो दोनों मिलने वाले हैं। m.Paani ने सीरीज ए राउंड में 5.5 मिलियन डॉलर्स रेज किए। m.Paani एक मार्केटिंग स्टार्टअप है जो लोकल रिटेलर्स को ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने में मदद करती है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है। OYO के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने OYO में 693 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए, यानी उन्होंने अपनी कंपनी के स्टेक्स फिर से खरीद लिए। अब उनके पास OYO का 18.03% स्टेक है। स्टूडेंट हाउसिंग स्टार्टअप स्टैंजा ने ऑल्टेरिया कैपिटल से 5.7 मिलियन डॉलर्स डेट में रेज किए, यानी उन्होंने स्टेक्स नहीं दिए कंपनी के बट इंटरेस्ट पे पैसा लिया है। इनका मेन फोकस स्टूडेंट्स को बेटर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइड करना है और अब तक ये 70 मिलियन डॉलर्स की टोटल फंडिंग उठा चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2019 में बुक माई शो का रेवेन्यू 52% से बढ़कर 595 करोड़ हो गया, जो लास्ट ईयर 391 करोड़ था, और उनके लॉसेस भी 29% से घटकर 115.2 करोड़ हो गए। चाइनीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्लब फैक्ट्री के अगेंस्ट एक लखनऊ के कस्टमर ने FIR फाइल किया कि वो बड़े ब्रांड्स के फेक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। जिसने कंप्लेन की उसने टाइटन की वॉच और रेबैन के ग्लासेस 90% डिस्काउंट पर खरीदे थे, लेकिन उनको दोनों के नकली प्रोडक्ट मिले। रेबैन और टाइटन दोनों ने कंफर्म किया है कि उनका क्लब फैक्ट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जोमैटो के CEO दीपेंदर गोयल ने बोला है कि शायद 1 साल में जोमैटो प्रॉफिटेबल हो सकता है। उन्होंने अपना कैश बर्न 70% से कम कर दिया है पिछले 7 महीनों से कंपेयर करें तो। फिलहाल उनका कैश बर्न 15 मिलियन डॉलर्स पर मंथ है, यानी लगभग 100 करोड़ रुपए। मैंने जोमैटो के बिजनेस मॉडल पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप रिलेटेड न्यूज़। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।